नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली की रोहिणी जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां नॉर्थ रोहिणी थाना पुलिस की टीम ने शुक्रवार की देर रात को मुठभेड़ के दौरान तीन शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। दरअसल पूरा मामला दिल्ली के रोहिणी जिला अंतर्गत आने वाले प्रेमनगर थाना इलाके का है, जहाँ आपको मैं बता दूँ कि नॉर्थ रोहिणी थाना की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग प्रेमनगर इलाके के भाग्य विहार में पशु तस्करी के मामले में संलिप्त हैं। टीम ने सूचना के आधार पर तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया। बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो कुल 8 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई, जिसमें वो जब मौके पर पहुंचे तो वहाँ दिखा कि कुछ तकरीबन 3 लोग वहाँ पशु हत्या कर रहे थे। टीम ने बड़ी ही शातिर तरीके से अलग अलग 2 जगह से उनको दबोचने के लिए दोनों जगह से 4-4 लोगों की टीम को इकट्ठा किया, और ये वही जगह है जहां पर पशु तस्करी में शामिल वो जो 3 लोग थे वहां ये पशु हत्या में लगे हुए थे। और वो जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने भी अपने बचाव में और आरोपियों को पकड़ने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से तकरीबन 7-8 राउंड फायरिंग की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है यही है जहां से पुलिस ने इस दरवाजे से पुलिस ने भेजा, और ये देख सकते हैं जो यहां से पुलिस आई थी ताकि वो घेर लिया जाए और आरोपी जो है जो बदमाश है वो भागने की कोशिश करे भी तो भाग ना पाए। आप देख सकते हैं ये बुलेट एंट्री है, यहाँ पर गोली को छू करके आगे गई है। और बता दें कि 3 लोग जो पशु हत्या में शामिल थे उन 3 लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जो आगे वो भागने में कामयाब नहीं हो पाए। और पुलिस ने हालांकि इसमें 2 जो बदमाश है वो घायल भी हो गए, और एक है जो पुलिस की गिरफ्त में है, और दो बाकी के जो घायल बदमाश हैं उनको बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस तरीके से पशु हत्या में ये लोग शामिल थे और पुलिस की सक्रियता से कहीं ना कहीं भले ही पशु हत्या जरूर हो गई, लेकिन पुलिस ने इन 3 बदमाशों को धर दबोचा है और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। ये देख सकते हैं यहाँ पर शुक्रवार की देर रात पूरा का पूरा जो मामला बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो तकरीबन 3 बजे की बात है, जहाँ पर ही वो लोग पशु हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ये देख सकते हैं ये मोहल्ला क्लिनिक है, मदनपुर डबास मोहल्ला क्लिनिक है जो प्रेमनगर थाना क्षेत्र में आता है, और यहीं पर वो लोग कर रहे थे। बगल में ये छठ घाट भी है जहाँ पर ये इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें कि इस समय इस पूरे यहां को पूरे के पूरे ये कह सकते हैं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी तरीके से जो नॉर्मल साधारण प्रवेश है उसको बंद कर दिया गया है। पीछे देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी बैरिकेडिंग लगी हुई है, और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अभी भी पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह की जो वातावरण है वो एक शांत वातावरण रहे, और कोई भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश अगर करता है तो उसको तुरंत धर दबोचा जाए और माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पशु तस्करी का मामला जो सामने आ रहा है ये कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, और इसमें जिस तरीके से नॉर्थ रोहिणी थाना पुलिस की टीम ने मुठभेड़ के बाद जो आरोपियों को धर दबोचा है वो एक काबिले तारीफ है, और पुलिस की एक कार्यशैली बेशक एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में भी देखा जा सकता है। फिलहाल 1 आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है और 2 आरोपी जो घायल हुए हैं उनका बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में उपचार जारी है, और अब पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। और बेशक नॉर्थ रोहिणी थाना पुलिस की एक टीम ये जो कार्रवाई है ये एक काबिले तारीफ है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।